इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल 5 को लेकर, ठीक है। एग्जाम्पल 5 जो है ये हमारी चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी। सो इसमें कहा गया है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6, 5 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 और 3, ठीक है। तो हमें पॉइंट जो पता करना है ना वो वाई एक्सिस पर है। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर वो पॉइंट यहाँ 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 कहीं पे भी लाई कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस पर ही आ रहा है, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसमें एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। और हमें कैसे लिखना पड़ता है किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए, एक्स कॉमा वाई, यानी पहले एक्स दिखाते हैं फिर वाई दिखाते हैं। तो यहाँ हर बार एक्स जो है ना ज़ीरो वाई, यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट है तो ज़ीरो कॉमा वाई, ज़ीरो कॉमा वाई, इस तरीके से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि वो जो पॉइंट होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा ज़ीरो कॉमा वाई के साथ, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसकी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं पी मान लेता हूँ और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए इसमें ना दोनों ही पॉजिटिव हैं एक्स और वाई, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 6, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका नाम ए है। और दूसरा पॉइंट जो है ना, इसमें एक्स जो है वो माइनस में है और वाई पॉजिटिव है, मतलब ये यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, -4, 3। अब ये जो पी पॉइंट है वो ए और बी दोनों से बराबर की दूरी पर है। क्या मतलब है कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। अभी हमने किया था एग्जांपल 4 में, हमने इक्विडिस्टेंस को लेकर बात की थी, ठीक है। तो अगर पी ए और बी से बराबर है तो इसका मतलब होता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ए पी वो पी बी के बराबर होगी, है ना, और इस तरह से वो लाई कर रहे होंगे एग्जैक्टली, है ना। तो चलिए बना लेते हैं और देखते हैं क्या हिसाब है। तो इनको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ और यहाँ जो है ना इसको मैं बाकी रखता हूँ, ठीक है। तो ए बी पता करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, पी पॉइंट हमारा है 0, y, ठीक है। 0, y क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो देखिए ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है सिंपल x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आपकी मर्ज़ी है इसको x1 y1 मानो या इसको x1 y1 मानो, ठीक है। कहने का मतलब ये है इसमें से इसको माइनस करो या इसके कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करो, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, p के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट को माइनस करता हूँ। तो p के कोऑर्डिनेट में x जो है ना 0 है, a के कोऑर्डिनेट में x कितना है 6 स्क्वायर लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट में y जो है y ही है और a के कोऑर्डिनेट में y 5 है स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे पी बी की बात करनी है, मतलब अब ये वाली डिस्टेंस की बात करनी है। तो मैं अगेन वही करूँगा, पी के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करूँगा, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट में एक्स जो है 0 है और बी के कोऑर्डिनेट में एक्स 3 है, सॉरी -4 है, तो ब्रैकेट के अंदर लगा के फिर स्क्वायर लगाया जाएगा, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट में वाई ही है और इसमें बी के कोऑर्डिनेट में वाई 3 है, स्क्वायर लगाएंगे और रूट लगा देंगे, सही है। तो अगर मैं ना इधर चलूँ तो माइनस का x 6 स्क्वायर हो जाएगा, y -5 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस। माइनस क्या होता है, प्लस, 0 से कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे y -3 और स्क्वायर आएगा और ये रूट की अंदर कहानी चल रही है। रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करनी पड़ती है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर कोई भी स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर करके बताया करिए, ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल भी रहा हूँ मैं,
तो स्पेलिंग तो याद ही होगी। तो स्क्वायरिंग, अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड में, ठीक है, तो क्या होता है ना, रूट स्क्वायरिंग करने से हट जाता है, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 6 का स्क्वायर वाई माइनस 5 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये नाम है, इधर लिख देता हूँ। तो माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। स्क्वायर मतलब उसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सही है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको मैं, आप तो लिख ही लिया होगा, पॉज करके रिमाइंड कर सकते हो, इतनी टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर ही सकते हो यार, फ़ायदा उठाओ घर के। तो यहाँ पर इक्वल टू आ गया हमारा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखोगे कि बोथ साइड वाई स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, कैंसिल आउट होंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 36, 5 जो 25 और 2 5 जो 10 और साथ में वाई, ऐसे यहाँ पे 16 है, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 2 3 जो 6 माइनस का 6 वाई, ठीक है। तो मैं 10 वाई लिखूँ, इसको इधर ले आऊँ तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को इधर ले जाऊँ यहाँ पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 25 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में तो इधर जाएगा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 36 है, दोनों साइड माइनस में होती है तो कैंसिल आउट होता है। और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और ट्रांसपोज होकर हमारा जवाब आएगा। देयरफॉर जो वाई की वैल्यू आई है वो आई है 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 0, y हमने माना था, तो ये हो जाएगा 0, 9, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू बतानी थी, जो हमने बता दिया, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा होगा वो 0, 9 करके आ रहा होगा इस कोऑर्डिनेट के साथ। तो चलिए इस बात को यहाँ तक पूरा करते हैं, तो अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एग्जांपल, तो मैंने सारी कर लिया अब तक की, 7.1 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, और इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारे इस चैप्टर को देखने के लिए आप देखोगे जाकर प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट दे दी जाएगी लिंक में, और बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।